इंडिया से हजारों मील दूर होके भी जो चीज़ हमें देश से जोड़े रखने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो है इंडियन फेस्टिवल्स। पिछले 2 साल में हम लोग ने ट्राई किया जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन्हें सेलिब्रेट करेंगे, एंड आज का ये वीडियो ऐसे ही एक फेस्टिवल का है। गणपति बप्पा मोरया। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वांडरिंग सोल्स, वेयर वी शेयर आवर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, फूड एंड स्टे रिकमेंडेशन एंड ऑल अबाउट आवर एक्सपैट लाइफ इन पोलैंड। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक खास सफर पर, पंडाल हॉपिंग इन पोलैंड। सबसे पहले हम आए हैं हिंदू भवन, तो चलो देखते हैं यहाँ का गणपति। यहाँ का डेकोरेशन कितना सिंपल बट सुंदर है ना। और गणपति बाप्पा की मूर्ति इतनी प्यारी लग रही है। चारों तरफ के डेकोरेशन काफी मिनिमल है लेकिन हर चीज को दिल से बनाया गया, ये तो महसूस होता है। भवन टेम्पल वॉर्सा सिटी सेंटर से अराउंड 25 किलोमीटर दूर है। यू कैन रीच हियर फ्रॉम पी प्लस आर अलेया क्रैकोस्का बाय बस 721 एंड 728। ये जोन 2 में पड़ता है, सो मेक श्योर आप जोन 1+2 का टिकट ले। देर आर अ वराइटी ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर इन दिस टेम्पल, इंक्लूडिंग सेलिब्रेशन फॉर मेजर हिंदू फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी, दिवाली, होली एंड शिवरात्रि। एंड ये टाइम पे भी यहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस, रिचुअल्स, भजन्स, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड बहुत कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो अभी हमने देख लिया हिंदू भवन का गणपति एंड यहाँ पे मस्त सा डेकोरेशन किया हुआ है एंड प्लस यहाँ पे बहुत अच्छा हवन भी चालू था, हमने वो अटेंड किया। और अभी हम जा रहे हैं हमारे सेकंड पंडाल के लिए। तो जो सेकंड पंडाल है गणपति का वो 2 मेन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, यहाँ का एक बहुत फेमस इंडियन रेस्टोरेंट एंड दूसरा है एक फेमस ग्रॉसरी स्टोर। तो आप तो गेस कर सकते हो शायद, वो है इंडिया गेट एंड लिटिल इंडिया। और ये जो प्लेस है ये यहाँ से अराउंड 1 आवर की दूरी पे है एंड हम लोग को बस एंड ट्रैम चेंज करके जाना है, तो चलो चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हमारे सेकंड पंडाल पे एंड लेट्स सी हाउ इट इज। यहाँ पे गणपति बाप्पा की मूर्ति को चारों तरफ से फूलों से सजाया गया है। ये पंडाल छोटा जरूर है पर इतना शांत लगता है यहाँ कि क्या ही बताओ।
तो अभी हम लोग ने देख लिया लिटिल इंडिया और इंडिया गेट का गणपति। तो क्योंकि हम यहाँ पे आ ही गए तो अभी हम लिटिल इंडिया के अंदर चल के वो शॉप भी देख लेते हैं। अभी हमारा सेकंड पंडाल देख के हो गया और हम जा रहे हैं हमारे थर्ड पंडाल के लिए जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी। फर्स्ट जो हमने सुबह सुबह विजिट किया वो था हिंदू भवन, द फेमस हिंदू भवन टेंपल इन वॉर्सा। थोड़ा सा दूर था इसके लिए हमारे प्लान में उसको सबसे पहले रखा, हम उसको विजिट किए एंड अभी आए थे हम हमारे सेकेंड पंडाल के लिए जो है इंडिया गेट एंड लिटिल इंडिया इनका कोलैबोरेशन में। इंडिया गेट आपको पता होगा जो वॉर्सा सेंट्रम के सामने ही एक इंडियन रेस्टोरेंट है एंड लिटिल इंडिया जो फेमस है उसके पूरे ग्रॉसरी स्टोर चेन के लिए। एंड अभी हम जा रहे हैं थर्ड पंडाल के लिए जो है ब्रह्मा कुमारी पंडाल। सो गाइस अभी एक सीन हो गया है, हम लोग ने डाला था एड्रेस मॉल्डोव्स का करके एंड वही एड्रेस दिखाया था ब्रह्मा कुमारी के जो गणपति फेस्टिवल है उसके लिए एंड आई थिंक हम लोग गलत जगह पर आ गए क्योंकि सीन था मॉल्डोव्स का एक है कुछ तो 02109 जहाँ पे हम एक्चुअली अभी प्रेजेंट है एंड दूसरा मॉल्डोव्स का भी है जो है कुछ दूसरे पिन कोड पे 02127 पे आई थिंक। तो यही मतलब सेम इंडिया वाला सीन हुआ है कि एक जगह जिसके दो सेम नाम है एंड हम दूसरी जगह पे आए पर ठीक है तो अभी हम वही जा रहे हैं। लेट्स सी अगर ये होता है तो सही है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पंडाल के लिए निकल जाएंगे। आज तो सीन पे सीन हो रहा है। अभी पहले हम लोग गलत एड्रेस पे पहुंच गए थे और अभी हम लोग एक स्टॉप पहले उतर चुके हैं तो हम लोग रुके हैं नेक्स्ट बस के लिए जिससे हम वापस एक स्टॉप जाएंगे और फिर हम लोग वहां से चल के जाएंगे। और अभी मैप लिया है मैंने मेरे हाथ में क्योंकि ये सब सीन मेरे के साथ हो रहा है। तो ये है हमारा रोड, काफ़ी मज़ेदार है। नीचे है प्लेटफॉर्म और यहाँ से हम होते हुए ये गणपति के दर्शन को जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है हम कोई गांव में आए बट पता नहीं अभी भी कि हम सच में ब्रह्मा कुमारी इसके आश्रम पहुंच भी रहे कि नहीं, बस एक चांस लेके जा रहे हैं हम। ये बाजू में देखो ट्रेन भी आ रही है तो ये ट्रेन का प्लेटफॉर्म नीचे है एंड ऊपर ये जाने के लिए रास्ता है। फाइनली फाउंड इट। ओके You are here and the Ganpati Mandali Warsaw is 100 meters from here. Let's go! हम लोग यहाँ पर walk करके आए। I don't know कि by road अगर आप आओगे तो route कैसा है but हम लोग जो walk करके आए हैं वो जो path था मतलब bus stop से लेके यहाँ तक का वो इतना सुंदर था। हम literally railway track के side से walk करके आए and वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। एंड इवन यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा greenery और बहुत सुंदर लग रहा है तो I can't wait to see कि अंदर कैसा है। Let's go! जब भी हम यहाँ के गणपति पंडाल में पहुंचे तो ऐसा लगा कि हम गांव में आ गए हैं। इन नेचर पूरा सेटअप था।
अभी हमारा पंडाल नंबर 3 हो चुका है देख के, जो था ब्रह्म कुमारी का पंडाल, एंड काफ़ी अच्छा था ये। वी होप कि आपका ये फेस्टिवल सीजन बहुत ही अच्छा जाए, एंड अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो पोलैंड के इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के रिलेटेड, तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम ये सारे ज़रूर कवर करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।